गाइस वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ रोहडू में और रोहडू में भी मेरा अपना घर है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि टाइटल में कि आज हम जा रहे हैं कोटखाई। बेसिकली आई एम फ्रॉम कोटखाई, मैं कोटखाई से हूँ और मैं आज जा रहे हम गाँव की ओर। तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, तो आगे की जर्नी मैं इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो अभी तो मैं फिलहाल होता हूँ तैयार, तो अब हम हो गए हैं रेडी, तो अब हम जा रहे हैं गाँव की ओर। तो चलो चलते हैं फिर इसी ब्लॉग में आगे, आगे की जर्नी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो अब हम बस निकल रहे हैं अपने रूम से, तो अब हम जा रहे हैं कोटखाई। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा प्यारा सा रूम। गाइस मैं निकल चुका हूँ रूम से अब। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना प्यारा रेनबो है। और ये है यहाँ पर रोहडू बाजार गंगटोली बाउटीनाला गंगटोली। और ये देखो यहाँ पे सेब का बगीचा, और बड़े वो जो घर दिख रहे हैं परे सेब के बगीचे के साथ, वो है मेरे मामू का घर। ये है, ये मम्मी ने लगाए हुए हैं। अब खुद मम्मी को इन चीज़ों का बहुत शौक है। अब हम निकल गए हैं घर की ओर। ये है हमारी धनोरानी जो कि इस वक्त बहुत गंदी हो चुकी है। है हमारा घर, ये है मेरा घर पार्क, और इसमें ऊपर होम स्टे भी है। गाँव जाने से पहले धुला रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं यहाँ से अपने घर से। तो अभी हम हैं यहीं पे घर के पास, पापा ले रहे हैं अभी राशन वगैरह घर के लिए, गांव के लिए। तो चलो मिलते हैं आगे इसी ब्लॉग में। और ये मेरा शीशा आईजीएमसी के पास होता है। गाइस हम जा रहे हैं अब घर कोटखाई भी तेरा गिरा। और ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है सब्जी मंडी। तो ये है मेहंदी बाजार। तो अभी हम पहुंच गए हैं पटसारी पेट्रोल पंप के पास। यहाँ हम तेल डालेंगे गाड़ी में। गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में। और अब हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप में, हमारा पटसारी पेट्रोल पंप। ये है पटसारी पेट्रोल पंप यहाँ पे। तो गाइस हमने डाल दिया है तेल अभी, तो अब हम चल पड़े घर की ओर। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी पीछे, मम्मी से करो इंश्योरेंस करो। तो ये है पटसारी यहाँ पे, और ये शीशा बहुत ही गंदा लग रहा है इसमें, इसको हम जल्दी ही बदल देंगे। तो ये है हमारी रोहडू का NH रोड, देख सकते हैं आप लोग, देखिए क्या प्यारा रोड है। ये है हाटकुटी माता मंदिर गेट, और यहाँ नीचे है हाटकुटी माता का मंदिर में। तो आप सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बारिश में कम से कम ट्रैवल करें, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की जानें भी जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम ट्रैवल करें। और यहाँ पे रोहडू से शिमला के लिए बहुत ही ख़राब है, जगह जगह पे यहाँ पे लैंडस्लाइड है। तो प्लीज़ कम से कम ट्रैवल करें इस बारिश मौसम में, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हुए हैं, बहुत ही गंदा रोड है। तो प्लीज़ बारिश के मौसम में कम से कम ट्रैवल करें आप लोग। यहाँ पे लग गया है जाम, क्योंकि आगे रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब और साथ में हो रही है बारिश। तो अब थोड़ी देर रहते हैं जाम ही है। अब यहाँ से अब खुला है जाम, और साथ में लगा है LNT, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत हुआ है। यहाँ से पूरा ही रोड ये नीचे जा चुका है। यहाँ पे देखिए दो LNT लगी हुई है आगों में से, रोड की हालत है। पूरा ही रोड यहाँ से नीचे चला गया है। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा NH यहाँ से नीचे जा चुका है। इस रोड के नीचे जाने से ऊपर के घरों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ गई है, और मे भी कि इसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मेरे को लगता है कि इसमें साल भी लग जाएगी इसको ठीक करने में। तो अभी कुछ टाइम तक जब तक बारिश है, तो प्लीज़ ट्रैवलिंग आप लोग कम से कम करें, जब कोई अर्जेंट काम हो तो तभी ही जाए।
उस दंगे के नीचे जाने की वजह से ऊपर के घरों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है, और अगर कुछ दिन और बारिश रही तो यहाँ का, तो यहाँ पे लगी है हल्की हल्की बारिश, शायद ऊपर खड़ा पत्थर में ज़्यादा बारिश हो। और अभी हम पहुँचने वाले हैं जुब्बल, तो मैं आपको जुब्बल के शॉर्ट्स में दिखाऊँगा। और यहाँ पे राजा जी का महल भी है, आपको शोर आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे एचआरटी जी वाले बहुत ही तेज चलते हैं, वाह रेस लगा रहे हैं अभी, साथ में पीछे जीप कंपस वाले, ये देखिए आप एचआरटी जी बस वाले हमारे। और यहाँ से नीचे वाले रोड से जाते हैं जुब्बल बाजार, जहाँ से ये बस गई है, क्या लग रहा है। और ये हम जा रहे हैं मकई हेडक्वार्टर, और ऊपर से यहाँ ऊपर देखो आप देख सकते हैं ऊपर खड़ा पत्थर में हो रही है अभी बारिश। मुझे आ रही है अभी नींद, क्योंकि मैं पेन ड्राइव भूल गया हूँ घर में, इसमें गाने बज रहे हैं इस वक्त गाड़ी में, तो फिलहाल अभी ऐसे ही चुनते चुपचाप से। बहुत ज़्यादा ठंड, और हम पहुँचने वाले हैं खड़ा पत्थर। सबसे ज़्यादा तो मम्मी को ठंड लग रही है, और क्योंकि ये बहुत हाइट पे है खड़ा पत्थर, इस वजह से यहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और यहाँ पे साथ में बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है। मैं उतर चुका हूँ गाड़ी से, क्योंकि यहाँ सबको जाना है वॉशरूम, और यहाँ पे ठंडा भी बहुत है। हम पहुँचने वाले हैं खड़ा पत्थर, क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ठंड है, तो मैं आपको यहाँ की जंगल दिखाता हूँ। अब हम जा रहे हैं गाड़ी में वापस, अब सब हो गया है फ्रेश, और मम्मी को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो पहनी है एक स्वेटर। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी में वापस। कैसा है मम्मी ठंडा बाहर? बहुत बढ़िया। और ये गाड़ी मार रही है स्किट, आप लोग देख सकते हैं कैसी धुंध है यहाँ पे, और हम यहाँ पे रुकेंगे अभी थोड़ी देर। तो हम है अभी खड़ा पत्थर में, अभी हमें लगी है भूख, तो हम कुछ खाने के लिए रुके हैं। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे मेरे धुंध ही धुंध है, और बहुत ही प्यारा क्लाइमेट है, और मुझे लग रही है इस वक्त अभी ठंड, क्योंकि मैं हूँ ठंड का बहुत ज़्यादा कच्चा। फिलहाल मैंने मंगाए अपने लिए मोमोज, क्योंकि मोमोज मेरे हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट। तो बने रहिए आप इस ब्लॉग में, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। हमारी खड़ा पत्थर मार्केट, और अभी यहाँ पे धुंध में दिख नहीं रहा है, और इस धुंध के पिछली साइड गिरी गंगा का कुप्पड़ भी है। गए हैं अपने लिए मोमोज, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये मोमोज बहुत ही डिलीशियस है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ आप जब भी कभी आओगे यहाँ पे, तो ज़रूर ये मोमोज ट्राई करना। मैं भैया की लोकेशन भेज दूँगा आपको कि ये कहाँ पर है खड़ा पत्थर में। और मम्मी कैसे थे मोमोज? तो दोस्तों मैं फाइनली आया हूँ अभी गाड़ी से बाहर मोमोज वगैरह खा के, तो मैं आपको अब बताऊँगा कि ये दुकान कहाँ पे है। ये है प्रॉपर खड़ा पत्थर से थोड़े से आगे की तरफ से आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे इनकी ये शॉप के साथ होटल है, यहाँ पे इतने प्यारे मोमोज बनते हैं। या आप लोग रोहडू की तरफ से आओगे, इनके पास ज़रूर आपने आना, और बहुत ही प्यारे मोमोज है। तो अब हम चल पड़े हैं गांव की ओर, यहाँ से फाइनली मोमोज वगैरह खा के, और आगे बहुत ही ज़्यादा धुंध है, बहुत ही प्यारा मौसम भी बोल सकते हैं, और धुंध में तो वैसे भी आगे बहुत कम ही दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं कोटखाई, तो कोटखाई यहाँ से
35 किलोमीटर दूर और हमने जाना है बागी वाली रोड में। तो मेरा गांव भी थोड़ा बागी से 15 किलोमीटर नीचे है, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा इस ब्लॉग में आगे अपने गांव की जर्नी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी हम बस जस्ट दो तीन मिनट में पहुँचने वाले हैं। फाइनली कोटखाई पहुँच गए हैं और कोटखाई से आगे आगे है। तो इस जगह का नाम है छोल और ये है छोल जगह। यहाँ भी अच्छी मार्केट है और मम्मी को अब पता लग रहा है कि छोल ही है। तो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं कोकू नाला और यहाँ पे ही वो जो नया पुल बनाया था गवर्नमेंट ने, वो उसका कुछ हिस्सा है वो बारिश के कारण जा चुका है। तो अब हमें उसके परली साइड से घूम के जाना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे कैसा होगा रोड। आप ये पुल है वो अभी अभी ही बनाया था गवर्नमेंट ने और ये यहाँ से सारा जा चुका है नीचे और ये पीछे से मम्मी लगे हैं। लो जी मम्मी भी परेशान हो चुके कि ये हो क्या गया और रोडों की हालत देखो कैसी है। अब इसमें तो गवर्नमेंट का भी क्या कसूर है, गवर्नमेंट का भी इसमें कोई कसूर नहीं है। और जिसके आप ये था वो पुल पूरा जा चुका है, ये पुल था वो पार। ये देखिए यहाँ से ये पूरा पुल जा चुका है नीचे और हम पहुँचने वाले हैं घुमा। घुमा से तो अभी हम 5-6 किलोमीटर पीछे हैं। तो हम गौरी आप घुमा बाजार तो नहीं दिखा पाएंगे, हम गुमा घुमा तो नहीं जाएंगे, हम घुमा से पीछे से ही नीचे के लिए टर्न हो जाएंगे। फिर उस रोड में है आगे मेरा घर पहुँच गया। तो दोस्तों अब हम हो जाएंगे यहाँ से नीचे को ये टर्न। अभी यहाँ से जाता है हमारे गांव के लिए रोड। ये गया हमारे गांव के लिए रोड नीचे और ये नीचे यहाँ पे नीचे अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और बाप ने मारी है बहुत ही गंदी ब्रेक। और अपने गांव की में आके ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बहुत टाइम बाद यहाँ आए हैं, मतलब साल दो साल बाद। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मेरा ज़्यादा मन वैसे रोडू में होता है लगा हुआ, मुझे ज़्यादा अच्छा रोडू लगता है यहाँ से गाँव से। अच्छा है हमारे गांव का रोड। लाइट परे रोहड़ू डैम से आ रही है और यहाँ पे ये स्टोर होती है नीचे। और ये रोड है हमारा और हमने जाना है उस पहाड़ी के पीछे, वहाँ पे है हमारा गांव। तो शायद यहाँ पे भी हो रहा है व्लॉग शूट या वीडियो शूट। तो यहाँ पे भी हो रहा था शायद ब्लॉग शूट या वीडियो शूट। चलो यार अपना अपना है, करो सब लाइफ में प्रोग्रेस करें सब, बहुत बढ़िया है, कोई बस बेला ना रहे।
गाइस हम पहुंच गए हैं अभी खल्टू बाजार। देखिए ये है हमारा खल्टू बाजार। तो अब हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर खल्टू से। तो यहाँ से है सिर्फ 2-3 किलोमीटर हमारा गांव। तो अगर मैं आपको आज नहीं दिखा पाया क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया है, तो मैं आपको सुबह मॉर्निंग में पक्का अपना गांव दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं आगे इस ब्लॉग में। ये है हमारी गांव की सड़कें, जिनको ये ज़्यादा दिखता है फटाफट, लेकिन अभी रात को उतना नहीं दिख रहा है। हम इसको बहुत जल्द ही रिप्लेस कर देंगे, नया शीशा लगा देंगे। देखिए हमारी गांव की सड़कें। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। तो मैं आपको अपना गांव का घर भी दिखाऊंगा, और अभी स्टोरी में आपको कोई भी गांव की क्लिप्स नहीं दिखा सकता ना मैं आपको, क्योंकि इस वक्त अभी हो चुकी है रात और यहां पे भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए हुए हैं। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं सिर्फ 1-2 सेकंड में अपने गांव। और ये पुराना हमारा घर है, और ये है मेरा खेत, और ये है मेरे चाचू का घर यहाँ पे। और अब हम दुकान, और हम लोग ये हमारा क्रिकेट का मैदान भी, हम लोग यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने घर। ये मेरा नया घर है जो अभी बन रहा है, और यहाँ पे है ये सुंदरी नाम की कुत्ती। हेलो सुंदरी, खुशी हो रही है। हेलो सुंदरी। और ये है मेरे बड़े भैया की गाड़ी यहाँ पे, ये है बड़े भैया की गाड़ी। और इसको देखो, इसको खेलने की कैसी आई हुई है, देखते रहिए इसको। हेलो सुंदरी, ये देखो यहाँ पे सुंदरी को, और ये सुंदरी हमारे साथ खेल रही है। हेलो सुंदरी, हेलो सुंदरी, चल सुंदरी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी अभी अपने गांव और अपने घर। तो अभी इसके बाद जाऊंगा मैं ऊपर। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर, और मेरे घर का है ये दृश्य। फाइनली और ये है हमारा प्यारा सा स्वीट होम। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने घर, और ये मेरे घर का फर्स्ट रूम है। तो मैं आपको यहाँ कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ है पापा की पुरानी फोटो, कि मेरे पापा कैसे दिखते थे पहले। पापा की फोटो, सॉरी कल रात को हम लेट पहुँचे, तो इस चक्कर में मैं आपको गांव भी नहीं दिखा पाया। तो अब मैं दिखाऊँगा आपको गाँव अपना, और ये यहाँ नीचे है दुकानें। तो ये है मेरा नया घर जो अभी बन ही रहा है। मेरा गांव, और इस पीले रंग का है मेरे चाचू का घर। चारों तरफ देखिए सेब के बगीचे, और बड़े बड़े पहाड़, और पहाड़ों के बीच में धुंध। और ये घर के साथ है हमारे देवतारेंद्र जी महाराज का मंदिर, और ये घर है जो साथ में लाल रंग की छत वाला, ये है मेरे चाचू का। तो देखिए चारों तरफ सेब के बगीचे, और इन और बड़े बड़े पहाड़, और इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में है हमारा गाँव। और ये है पेप्सी। तो अब हम आए हैं चाचू के नए घर में जो अभी बन रहा है, और देखिए ये है हमारे पहाड़ों के घर।